রয়েছে, সুরের রয়েছে, কাউশিকে পাদ সংস্পৃশি নির্বিশেষ মনস্কারে শ্রী বীরস্বামী নমঃ, শ্রী বীরস্বামী নমঃ। আরাধ্য দেব শ্রী ভগবান মহাবীর কে চরণ বন্দনা, শ্রদ্ধে আচার্য প্রবর, আদরণীয় সম্মিলিত সমুপস্থিত ধর্মানুরাগী ভাইয়ों এবং বহিনों, সবাই ভক্তি রস মে ডুবে হুয়ে থে, মন তো নহীঁ কর রহা থা কি বীচ মে কুছ ডাইভার্ট করে, লেকিন স্বামী জি নে সংযোজন মে হি কহ দিয়া কি আজ কা কার্যক্রম কিতনে ভাগোঁ মে বটা হুয়া হ্যায়, তিন ভাগোঁ মে, তো হামারে এক ভাগ ভক্তি কা কার্যক্রম পুরা হুয়া, দূসরা জো হ্যায় ওয়া হ্যায় প্রবচন কা। দীপ মালিকা কে শুভ অবসর পর শুভম ভূয়াত, শুভম ভূয়াত মঙ্গল সন্দেশ লায়ে মহাবীর সিদ্ধি গৌতম ঋদ্ধি কি ইয়াদ দিলায়ে, অন্ধকার কা কর বিনাশ নব প্রকাশ ফেলায়ে, এসা পাবন পর্ব দিওয়ালি আও মিলজুল মনায়ে, আও মিলজুল মনায়ে। इसे ज्ञात हो गया होगा आपको कि दिवाली क्या है, और वैसे समीर जी ने भी बता दिया कि दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो संक्षिप्त में मैं जिक्र करना चाहूंगी दिवाली क्या है। आप रिमाइंड कर लें, आपको पता है भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है दिवाली। हाँ, साथ दिवाली आपको बोलना है। राम का आसुरी शक्तियों पर विजय के बाद अयोध्या आगमन का ज्योति दिवस है दिवाली। तंत्र की उपासना एवं शक्ति की आराधक मां काली की उपासना का पर्व है दिवाली। धन की देवी, क्योंकि सबके सामने मुझे लग रहा है तो लक्ष्मी मां की पूजा भी तो करेंगे, अब किसकी पूजा करवाएंगे ये मुझे पता नहीं, ये तो जब करोगे तो पता चलेगा, बट ये फैक्ट है कि धन की देवी महालक्ष्मी की आराधना का पर्व है दिवाली। आनंद का पर्व, आनंदोत्सव का प्रतीक है दिवाली। सबके ऐसे रंग बिरंगे कपड़े चेहरों में उत्साह, चेहरे पर उत्साह देख करके लगता है ना कि आज तो आनंद का पर्व है, उत्साह का पर्व है, सही है नहीं? सही है। तो आनंद का प्रतीक है दिवाली। लेकिन इस बात को भी मत भूलना, सामने दीपक है, ज्योति से ज्योति जलाने का पर्व है दिवाली, आत्म साक्षात्कार का पर्व है दिवाली, अपने भीतर सुषुप्त चेतना को जगाने का पर्व है। भगवान महावीर ने इसी चेतना को जगाया और हमें भी इस चेतना को जगाने के लिए उपदेश दिया, और प्रभु ने उस सुषुप्त चेतना को जगाने के लिए अनेक साधन बताए, अनेक आयाम बताए, उसमें एक मींस एक साधन है मंत्र आराधना। दीपावली, नवरात्रि आदि विशेष दिनों में विशेष अवसर पर विशेष अनुष्ठान के साथ विशेष मंत्रों की साधना की जाती है। ये दिन मंत्र साधना के, मंत्र आराधना के, शक्ति की आराधना के विशेष दिन माने जाते हैं, उनमें से एक दीपावली का पर्व भी है। बंधुओं, भारतीय दर्शनों में मंत्रों का बहुत विकास हुआ, और विकास इसलिए हुआ कि उसके माध्यम से, यानी मंत्रों के माध्यम से जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर सके,
और मुख्य रूप से वो उपलब्धियां चार प्रकार की हैं। पहली उपलब्धि आत्मा आराधना, मंत्र आराधना व्यक्ति करता है, क्यों? अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो पहली उपलब्धि है आत्मा आराधना। दूसरी उपलब्धि है देवाराधना, देवताओं को वश में करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी मंत्र यंत्र और तंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरी उपलब्धि है देवाराधना। तीसरी उपलब्धि कार्य सिद्धि, हमें कोई भी काम को सिद्ध करना है और कार्य का को सफल करना है, उसके लिए भी व्यक्ति साधक मंत्र आराधना करता है। चौथी उपलब्धि है विघ्न निवारण, कि कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए, किसी की बुरी नजर ना लगे, उसके लिए भी मंत्रों की साधना करता है। तो चार प्रकार की उपलब्धियों की चर्चा की, आपको याद हो गया होगा कौन कौन सी उपलब्धियां? आत्मा आराधना, ठीक है, तीसरी कार्य सिद्धि, और चौथी विघ्न निवारण। आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय है द पावर ऑफ मंत्र, मंत्र की शक्ति। और मुझे मंत्र के बारे में भी बोलना है। एक्चुअली हमें किसी विशेष रूप से ये रखा था, लेकिन कभी मंत्र के बारे में पूरी की पूरी वर्कशॉप कर सकते हैं। आज तो सिर्फ मेरे पास 15 से 20 मिनट का टाइम है और उस 15-20 मिनट्स में बेसिक चीज बताना चाहूंगी कि यदि आप भी कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहे तो कैसे करें और मंत्र की शक्ति क्या है। और इस सब्जेक्ट को मैं चार भागों में डिवाइड करूंगी, इन चार बिंदुओं के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी कि मंत्र क्या है, मंत्र कब से, फाउंडर कौन है, तीसरा मंत्र साधना की विधि क्या है, और चौथा पॉइंट होगा मंत्र का परिणाम, मंत्र का प्रभाव क्या। तो पहला बिंदु हमारा होगा मंत्र क्या है, व्हाट इज मंत्र। प्रॉपर असेंबलेज ऑफ पोटेंट लेटर्स इज मंत्र, यानी शब्द की सम्यक संयोजना मंत्र है। दूसरा है अ ग्रेट कनेक्टिंग एजेंट टू पाए सोल्स और डेटीज, यानी पवित्र आत्माओं के साथ यदि हमें संपर्क साधना है, यदि शासन देवी देवताओं के साथ हमें कॉन्टेक्ट करना है, संपर्क साधना है, तो उसमें जो सहायक बनता है, सहायक होता है, वह है मंत्र। तीसरा द इम्पावर्ड लेटर वर्ड सेंटेंस वर्दी ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मंत्र मनना, यानी जो पद वाक्य शब्द पुनः पुनः मननीय होता है, बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो पहला बिंदु जो है हमारा शब्द की सम्यक संयोजना, ये तो आपने सुना होगा कि वर्णमाला का हमारे जो मंत्र शास्त्री हैं, मंत्र विज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर मंत्र है। आवश्यकता है उनकी सम्यक संयोजना की, यानी कि एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन की। यदि शब्दों का एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन कर लें तो हर शब्द मंत्र बन सकता है। और इसकी संयोजना करने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं होता, कोई विशेष पुरुष होता है, पहुंचा हुआ व्यक्ति ही इसकी सम्यक संयोजना कर सकता है। यदि हम और आप सोचे क्या है, ओम मंत्र है, रिम मंत्र है, श्री मंत्र है, प्राय लोग कहते ना,
अभी आपने देखा होगा जादू का पिटारा करवाया था ना, कितने मंत्र बोले, लेकिन जीवन में कुछ निकला क्या? मुक्ता सामने बैठी है और मंत्र भी ऐसे बनाए थे क्योंकि वो जादू का पिटारा था। लेकिन हम और आप ये सोच करके सोचे कि रिम कहीं जोड़ दे और स्विम कहीं जोड़ दे, नमः है स्वाहा, मंत्र बन जाएगा? ऐसे मंत्र नहीं बनेगा। मंत्र विद जो होगा, जो मंत्रों को जानता है कि कौन से मंत्र का संयोजन करके, कॉम्बिनेशन करके और किस उद्देश्य के साथ उस मंत्र का संयोजन करना है और किस उद्देश्य से उस मंत्र का उपयोग होगा, वह सामान्य व्यक्ति नहीं, हम और आप नहीं, कोई विशिष्ट पुरुष पहुंचे हुए ज्ञानी साधक ही मंत्र की सम्यक संयोजना कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने देखा, रसायन शास्त्री होता है, वो ये जानता है कि कौन से द्रव्य से मिलाने से, कौन से द्रव्य के साथ मिलाने से कौन सा द्रव्य बनेगा। ठीक वैसे ही शब्दों की संयोजना से किस प्रकार की तरंगे पैदा होगी, वाइब्रेशंस पैदा होंगे उस शब्दों का उच्चारण करने से, और वो तरंगे, वो वाइब्रेशंस सामने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करें, आसपास की वातावरण को भी प्रभावित करें। इसलिए अलग स्पेशल उद्देश्य से, स्पेशल जानकारी के साथ, लक्ष्य के साथ मंत्रों की संयोजना की जाती है। दूसरा हमारा बिंदु जो है कि मंत्र की जब रचना करता है रचनाकार, तब इस बात को ध्यान में रखता है कि किस उद्देश्य के साथ, किसके साथ संपर्क स्थापित करना है। पवित्र आत्मा के साथ करना है, या देवी देवताओं के साथ करना है, या कोई विघ्न निवारण के लिए करना है, या कोई कार्य सिद्धि के लिए मुझे जाप करना है, तो सबका लक्ष्य बदला या नहीं बदला, उद्देश्य में अंतर आया या नहीं आया। तो कुछ मंत्र जो है, जब कुछ अक्षर शब्द की संयोजना से साधक परम पवित्र वीतराम प्रभु के साथ अपना संपर्क साध सकता, किन अक्षरों के द्वारा, किन अक्षरों शब्दों की संयोजना के द्वारा व्यक्ति साधक देवी देवताओं से संपर्क साध सकता है, ये मंत्र शास्त्री जान सकता है, ये विशेष ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। और किन मंत्रों की सम्यक संयोजना के द्वारा ऐसा मंत्र का निर्माण हो कि उसे विघ्न निवारण भी हो जाए। तो यदि हमारा लक्ष्य पवित्र आत्मा के साथ संपर्क साधना है, जैसे आज जब हमने भक्ति की तो किसकी स्तुति की, भगवान महावीर की, और वीरराग भगवान की स्तुति जब हम करते हैं तो उसके साथ हमारी कोई मांग नहीं जुड़ी रहती है, सिर्फ उनके गुण हमारे भीतर संक्रांत हो जाए और हमारी आत्मा भी वीतराग प्रभु की तरह पवित्र बन जाए। तो ऐसे परम पवित्र वीतराग आत्मा से लक्ष्य साधने का हमारा यही उद्देश्य रहता है जब भी हम जाप करते हैं कि उनके गुण मेरे भीतर भी आ जाए। भक्तावर काफी लोग बोलते होंगे, आचार्य मान तुमने रचना की और उसमें किसकी स्तुति की, आदिनाथ भगवान की स्तुति की, तो क्या पूरे भक्तावर में भी आचार्य मान तुमने ये लिखा कि मेरी भेड़िया टूट जाए, लेकिन उन्होंने भक्तावर की रचना कब की, जब वो रेडियो जेल में थे, रेडियो से जकड़े हुए थे, उसके बावजूद भी जब उन्होंने आदिनाथ की स्तुति की तब उन्होंने किसी भी श्लोक में ये रचना नहीं की कि मेरे विघ्न का निवारण हो जाए या मेरी भेड़िया टूट जाए। किसी भी श्लोक को उठा करके आप देखें तो अब संस्तरेण भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा, कितनी पवित्र भावना, कितनी उन्नत भावना कि प्रभो आपकी स्तुति करने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है वक्षण भर में नष्ट हो जाते हैं,
तो मंत्र की आराधना स्तुति सिर्फ विघ्न निवारण के लिए नहीं, आदमी अपनी निर्जरा के लिए भी करता है, कर्मों की निर्जरा के लिए भी करता है, कर्मों की शुद्धि के लिए करता है, पवित्रता के लिए भी करता है, वीतराग प्रभु से संपर्क स्थापित करने के लिए भी करता है। न जाने सारे श्लोकों में आप देखे, कोई भी श्लोक उठा के देखे तो संग कथा जगता दुरी, आपकी कथा मात्र आपका नाम मात्र भी प्राणियों के पापों को हर लेता है। जिसका लक्ष्य उन्नत होता है साइड तो हर चीज मिल जाती है। हमारा लक्ष्य रहता है अनाज पाना, और किसान जब बीज बोता है तो धन्य के साथ उसको घास फूस भी मिलता है, नहीं मिलता, ये बाकी छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही मिल जाती है यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा हो। फिर भी मंत्रों की जो आराधना की जाती है, यंत्रों की जो आराधना की जाती है, साधक का लक्ष्य अलग अलग होता है। कोई शासन के देवी देवताओं के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भी मंत्र की आराधना करता है तो तात्कालिक उसका फल मिलता है, और भविष्य में भी विघ्न बाधा निवारण के लिए वो सहयोगी बन सकते हैं। तो तीसरा बिंदु जो ये कहा कि मंत्र की संयोजना कर दी, लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया, लेकिन एक बार आपने बोल दिया हो जाएगा काम नहीं। तो तीसरा बिंदु क्या, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एक ही मंत्र को आप लयबद्धता के साथ मानसिक और वाचिक निरंतर जाप करें और लयबद्ध हो जाए, मंत्रमय बन जाए, तब कहीं जाकर के वास्तव में मंत्र मिलता है। तो तीन डेफिनेशन जो दी है, तीनों परिभाषाएं मिलकर ही मंत्र क्या है इसको परिभाषित करता है। दूसरा बिंदु है When to practice, मंत्र कब से, इसका उद्भव कब हुआ, इसका प्रचलन कब हुआ, इसके आदिकर्ता कौन है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में न जाऊं, लेकिन इतना ही बताना चाहूंगी इन सब प्रश्नों के उत्तर अनुत्तरित हैं। हमारे पास कोई ऐसा उत्तर नहीं कि भाई मंत्रों का प्रारंभ कब से हुआ। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि मंत्रों की उत्पत्ति वेदों की रचना से बहुत पहले की है। प्राचीन जैन इतिहास के अनुसार आगम युग में मंत्र और तंत्र नाम का कोई शब्द नहीं, मंत्र शब्द के स्थान पर, तंत्र शब्द के स्थान पर विद्या शब्द प्रचलित हुआ। पहले विद्याएं थी, विद्या कहते थे, मंत्र विद्या, राइट, ऐसे मंत्र नहीं विद्या है, लेकिन विद्याएं थी, उसमें मंत्र तंत्र यंत्र इसका एग्जिस्टेंस था, इसका अस्तित्व था, लेकिन प्रारंभ में आगम युग में मंत्र शब्द ऐसा कोई प्रचलन नहीं, विद्या शब्द प्रचलित था। आठवीं शताब्दी तक, आठवीं सेंचुरी तक आते आते ये मंत्र शब्द के अर्थ का कुछ विस्तार हुआ, और उसके बाद पंच परमेष्ठी और शासन देवी देवताओं दोनों की आराधना का साधन मंत्र माना गया। और हम अलग अलग नवका मंत्र की अलग अलग रूपों में आराधना करते हैं, राइट। और शासन देवी देवता है, जो हमारे अधिष्ठाई देवी देवता है, चाहे वो धर्मेंद्र पद्मावती हो, चाहे और कोई चक्रेश्वरी देवी हो, किसी का भी अनुष्ठान करें तो उसके अलग अलग मंत्र के अर्थ में प्रचलन हुआ, और ये विद्या शब्द मंत्र के रूप से जाना गया। हाँ, इस बात को हम कह सकते हैं हमारे आगमों में भी मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का उल्लेख अवश्य है, मंत्र शब्द का नहीं लेकिन विद्या शब्द का। आपने ये सुना होगा नका मंत्र में कितने पूर्वों का सार है, हाँ, ये तो सबको याद है, 14 पूर्व, 14 पूर्वों में
दसवां पूर्व है, 14 में 10th जो पूर्व है, उस पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व। और जो मंत्र विद्या का अक्षय भंडार माना जाता है, दसवां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व मंत्रों का, यंत्रों का अक्षय भंडार माना जाता है। लेकिन हमारे युग तक उसका कुछ भाग ही पहुंच पाया। लेकिन ये स्पष्ट है कि जैन परंपरा में भी यंत्र और मंत्र का स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, और ये किसी बौद्ध संप्रदाय से या वेदों से या शैव परंपरा से लिया हुआ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जैनों में कोई मंत्र नहीं, हिंदुओं का इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं। हमारे अपने स्वयं के मंत्र है, अपने स्वयं के यंत्र है, जो हमारे मंत्रविदों ने बनाए। आज भी आप उनका कुछ प्रयोग करेंगे, कुछ यंत्र भी बनाएंगे आप और कुछ मंत्र भी आप लिखेंगे। लेकिन मूल इंपोर्टेंट बात यह है, यदि कोई जाप करना चाहे तो आखिर ये चर्चा प्रोसेस ऑफ मंत्र साधना की विधि क्या है। लोग चाहते, काफी लोग पूछते भी हैं, लेकिन अभी तक भीतर में वो जिज्ञासा नहीं जगी कि इन दिनों में आप भारत में, इंडिया में देखें, लगभग साधु साधनियां काफी श्राव चंद्रमाला के तेले करते हैं, और इन 3 दिनों में जिनको 1.25 घंटे का जप करना है, किसी मंत्र को साधना है, तो विशेष रूप से इन दिनों में अनुष्ठान के साथ, यानी विशेष तपस्या के साथ, आइंबील, एकासन, उपवास का तेला करके मंत्रों का 1.25 घंटे का 2.5 घंटे का जितना आप जाप कर सकते हैं उन मंत्रों का जाप किया जाता है। बट विधि आपको बता दें, ऐसे तो मैं विधि की चर्चा करूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी है, कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आज किसी को अनुष्ठान करना हो तो थोड़ी सी विधि जाननी जरूरी है। कभी आप पूजा भी करते तो विधि जाननी जरूरी है। आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा संगान में ग्रंथ लिखा, उसमें मार्मिक कहा कि जीवन भर जपता रहे केवल शाब्दिक जाप, जीवन भर जपता रहे केवल शाब्दिक जाप, शाश्वत सुख उसको कहां होता क्रिया करा। यानी वर्बली कोई बोलता रहे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसकी प्रॉपर विधि जाने और विधि के अनुसार करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा। तो कुछ लिखे हैं, जो पहला विधि में ये लिखा आपकी स्थान, ये चूज पाइस सॉलिटरी एंड ऑस्पिशियस और एनकरेजिंग स्पॉट, यानी आपका स्थान पवित्र हो, स्वच्छ हो, जहां हलचल ना हो, डिस्टर्ब ना हो, एकांत हो, ऐसा स्थान का चयन करें। और उसके साथ साथ परफेक्ट प्रोनंसिएशन विद प्रॉपर पेस, जब मंत्र का उच्चारण करे तो उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ना अति शीघ्र और ना अति विलंब से, लेट भी नहीं होना चाहिए। काफी लोगों को देखा है, मैं पूछती हूं कभी कभी नवा मंत्र हिमाला फिरते, बोले हाँ, बोले कितने मिनट लगते हैं, आप लोग फिरते हो ना नवा मंत्र हिमाला, कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट, ठीक है बताया। और कोई कोई ऐसा नहीं होगा 2 मिनट 3 मिनट में फेरने वाला, बोल नहीं रहा है, शॉर्टकट निकाल देते हैं, राइट हाँ। सभी जी कह रहे हैं कि आजकल लोग कहते हैं हमें शॉर्टकट बता दो कि नवता मंत्र पूरा तो नहीं बोल पाते, असिया अवसान हमें मंत्र है, ये भी मंत्र है, बस संक्षिप्त मंत्र है। अ मीन्स अरियंतारम, सी मीन्स सिद्धारम, आ मीन्स आयनियारम, उ मीन्स उवच्छायारम, और असिया उत्साह सामने साधु नमो लोए सब बसाऊ, असी आ उषा नमे, नवका मंत्र की माला फेरते हैं। लेकिन हम भी कहते कम से कम, बच्चों को कहते कभी कभी कि नवका मंत्र की माला एक अच्छी से फेरे तो 1.5 घंटा भी लग सकता है, राइट, 15 मिनट भी बोला तो अच्छा बोला। लेकिन ऐसे लोग भी मिले कि नवका मंत्र की माला घटाघट पता नहीं एक मंत्र पे एक नवका मंत्र बोलता है या 5-7 में बोलता है, वो तो केवल ही जानते हैं या स्वयं की आत्मा जानती है, राइट। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए,
कभी कभी एक एक, एक बहन हमारे साथ वो मंत्र कर रही थी, बोले मैं सवा लाख का जाप कर रही, वो भिक्षु शब्द का जाप कर रही थी, भिक्षु स्वाम भिक्षु स्वाम भिक्षु स्वाम, और भिक्षु तो बोला नहीं आ रहा है, भिक्षु श्याम भिक्षु श्याम, वो भी ठीक है, लेकिन और करती करती भिक्षु श्याम भिक्षु श्याम भिक्षु श्याम, और शब्द में कितना अंतर है देखो, भिक्षु भिक्षु और भिक्षु, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, और बोलते बोलते माइंड कहीं जाता है, उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आप नकाम मंत्र का आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि आपके पास टाइम है तो 108 times 20 गिनो मन के नकाम मंत्र के, टाइम नहीं है तो घास मत काटो, शुद्ध उच्चारण के साथ आप 5 बार ही बोलो। यदि श्वास के साथ प्रत्येक एक श्वास के साथ एक पद नमो अरहंताम ओम नमो अरहंताम, एक श्वास भरा श्वास छोड़ते हुए बोला ओम नमो सिद्धान, दूसरा श्वास भरा बोला, ऐसे आप बोलोगे तो भी आप 5 मिनट में 5 मंत्री बोल पाओगे। लेकिन हाँ उच्चारण शुद्ध, किसी भी मंत्र का कोई सेलेक्ट कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा पर मंत्र उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और साथ में फेसिंग टूवर्ड्स, ये तो पता ही है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, इसका भी साइंटिफिक रीजन है, ये सारा कभी और बता सकते हैं। और कंटिन्यूटी ब्रिजेस द सोल विद बॉडी, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर लंबा जाप करने से शरीर और चेतना के बीच में खलचल पैदा होती है। आपने 1 मिनट जाप किया, 1 मिनट जस्ट बैठे और ओम 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 बस हो गया, ऐसा नहीं, कम से कम उसमें आत्मा और शरीर के साथ संपर्क साधने के लिए और उसके बीच हलचल पैदा करने के लिए हमें क्या है, थोड़ा निरंतरता चाहिए। लेकिन और टाइम फिक्स होना चाहिए वो तो ठीक है। हाँ आगे चलो, ये बात ध्यान रखो वैसे कि प्रिपरेटिव प्रोसेस फॉर द मंत्र प्रैक्टिस, कि जब मंत्र करें तो मंत्र आराधना से पहले हमें किसी की स्मृति करनी होगी। तो मैं ये भी बता दूं, फिर मैं बात संपन्न करूं, उसका परिणाम भी जब कभी और लंबा चर्चा करेंगे वर्कशॉप करेंगे तब बताएंगे। तो इसका जब पहले मंत्र, आप एक मंत्र सेलेक्ट कर लो कि मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, ठीक है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं वो दोनों में काम आते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं सिर्फ पवित्र आत्माओं से संपर्क साधने के लिए होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं सिर्फ शासन देव मां की देवी देवताओं के साथ संपर्क साधने के होते हैं, बट कुछ मंत्र डिपेंड्स ऑन यू, उस मंत्र का उपयोग आप अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी विघ्न निवारण के लिए भी कर सकते हैं। तो किसी एक मंत्र को आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद में जब आप अनुष्ठान प्रारंभ करें तो स्थान का निर्धारण करें पहले, और उस स्थान पर बैठने से पहले मंत्र जाप से पहले आप क्या करो, अवोकिंग द गॉड यू बिलीव इन, यानी जो आपका इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र को आप याद कर लें। जैसे आप एक नौका मंत्र इष्ट होता है, किसी का और कोई इष्ट मंत्र होता है, तो 9 बार अपने इष्ट मंत्र की आवृत्ति कर लें। दूसरा है सेफ गार्डिंग द डायरेक्शन, हमें बाहर की सुरक्षा के लिए भी, जो बाहर की सुरक्षा, दिशाओं की सुरक्षा, वातावरण की सुरक्षा के लिए भी हमें मंत्र करना होगा पहले, उसका स्पेशल मंत्र मैं बता दूंगी। फिर हम तीसरा है प्योरिफाई द प्लेस, आप जिस स्थान पर बैठे आप अकेले नहीं बैठे, वासुर का भी वास है असुरों का भी वास है, कोई स्थान भूमि का कोई स्थान ऐसा नहीं जहां सुर और असुर दोनों का निवास हो। इसीलिए कभी कभी होते ना किसी स्थान पर बैठते हैं तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ स्थान पर बैठते कभी आप मंत्र का जाप किया और वहां किसी असुर का निवास हो या किसी देव का निवास हो, आपने परमिशन नहीं ली उससे, तो भी तकलीफ हो सकती है, आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो इसको डिटेल ऐसी घटनाएं हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन कभी और लंबी चर्चा करेंगे तब। तो भूमि की शुद्धि के लिए पहले कोई मंत्र का उच्चारण करना होगा। फिर सेटिंग ए गोल यू विश टू अचीव, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप सेट कर लो, सामने रखो कि ये जाप जो मैं कर रहा हूं, ये आराधना जो मैं कर रही हूं मंत्र आराधना, उसका करने का मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है,
अचीव करने के लिए दोनों चीज हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, लौकिक भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। जो भी आपका लक्ष्य वो सामने रखें, तो ये चीजें आप सबसे पहले ध्यान में रखें। तो मंत्र जो करना है इस स्मरण में, मैंने पहले ही बता दिया, आपका कोई भी इष्ट हो उसका स्मरण कर लो। दूसरा भूमि शुद्धि, भूमि पर शुद्धि करने के लिए ओम रिम श्रीम भूम्यादि देवाय नमः। जो भूमि के देवता है उसको भी आप याद कर रहे हो। तो लंबा अनुष्ठान करना चाहे तो पहले भूमि की शुद्धि, जिस स्थान पर बैठे हैं आप, तो क्या उच्चारण करना है, ओम रिम श्रीम भूम्यादि देवाय नमः। ठीक है, उसका सात बार उच्चारण करके आप उसकी अनुमति लेंगे भूमि की देवताओं की। दूसरी बाहर की सुरक्षा, बाहर की दिशाओं की सुरक्षा के लिए क्षीप ओम स्वाहा, क्षीप ओम स्वाहा, क्षीप ओम स्वाहा, इसका सात बार उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण करके फिर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद में फिर आप मंत्र का प्रारंभ करते हैं। और मंत्र का क्या परिणाम होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या रिजल्ट होता है, उसको आप सिर्फ संक्षिप्त में देख लो, और उसके बाद में कभी और चर्चा करेंगे कि हमारे उसका रिजल्ट सही मन से आपने किया है और सही तरीके से किया है, तो उसे हमारे मानसिक एकाग्रता, चित्त की संतुष्टि, एकाग्रता, बौद्धिक विकास, प्राण शक्ति का विकास होगा। सबसे बढ़िया है शुद्ध उच्चारण करने से हमारा ऑरा बिल्कुल शक्तिशाली बनता है, हमारा आवा मंडल पवित्र बनता है। और ये आप एक बार ध्यान में रखें कि मंत्र उच्चारण करते हैं, और हम सब जानते हैं कि हम तरंगों की दुनिया में जी रहे हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, तरंगे तरंगे, तो उन तरंगों से हम जो बोलते हैं वो तरंगे नहीं, वो परमाणु भी प्रभावित होते हैं, और इतने शक्तिशाली आप चाहो जैसा परिवर्तन कर सकते हो। तो ऑरा कैसे प्योरीफाई बनता है, यदि मैं घास काटूं तो भी पता नहीं चलेगा, इसका आप कभी बताएंगे, ये ध्यान दें और इसके साथ मंत्र का जाप करें। अभी भी समय है, पार्टी में लगाते ही हो, लेकिन विशेष रूप से शाम को घंटा दो घंटा बैठ करके यदि मंत्र जाप करना चाहे तो जरूर मंत्र जाप करना। आज का विशेष दिन प्रभु महावीर की आराधना का दिन है, और भगवान महावीर ने भीतर का दीप प्रज्वलित किया, और हमें भी इसी पथ पर चलने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया कि वह भीतर का आत्मदीप हमारा प्रज्वलित हो, तभी आज का दिन दीपावली का दिन मनाने की हमारी सार्थकता होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अर्हम, ओम अर्हम।